दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको ये बताया होगा कि आप अपने शॉर्ट वीडियो को ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाओ, आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होगा। तो दोस्तों, क्या आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो बनाया था कि आपका शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ? नहीं हुआ होगा। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, शॉर्ट वीडियो में कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता ही नहीं है। जो यूट्यूबर आपको यह बता रहा है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपने शॉर्ट वीडियो को बनाओ तो आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। शॉर्ट वीडियो में कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता ही नहीं दोस्तों। देखो दोस्तों, YouTube पर जब एक शॉर्ट वीडियो वायरल होता है तो शॉर्ट वीडियो वायरल होने के पीछे हाथ आता है, उस शॉर्ट वीडियो म्यूजिक यूज किया जाता है, वो म्यूजिक उस शॉर्ट वीडियो को वायरल करता है। देखो दोस्तों, अपने अगर शॉर्ट वीडियो दोस्तों अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करोगे तो आपका शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगा। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियो को भी देखा होगा, जिस शॉर्ट वीडियो का ना कोई वीडियो क्वालिटी अच्छा रहता है ना उस वीडियो को कंटेंट अच्छा रहता है, फिर भी उस शॉर्ट वीडियो दोस्तों मिलियंस में व्यूज आता है। तो कारण ये दोस्तों कि उस शॉर्ट वीडियो में ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज किया गया, जिसके कारण से उस शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ है। तो अगर आप भी दोस्तों अपने शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करोगे तो आपका भी शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगा। तो दोस्तों, आज की मैं आपको बताने वाला कि ट्रेंडिंग म्यूजिक कहां पर मिलेगा, उसको अपने शॉर्ट में कैसे यूज करोगे जिससे आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होगा, सब कुछ दोस्तों आज की मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी दोस्तों अपने शॉर्ट वीडियो को जल्दी से वायरल करना है तो मेरे इस वीडियो को आज पूरा जोर देखना, और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आइए करते वीडियो को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, अपने शॉर्ट वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड जब आपका शॉर्ट वीडियो हो जाएगा तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक कहां पर मिलेगा, और अभी के टाइम दोस्तों ट्रेंडिंग म्यूजिक कौन सा चल रहा है, सबसे पहले आपको एक चीज चेक करना है। तो उसके लिए आपको करना का दोस्तों गूगल को ओपन कर लेना, गूगल में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि अभी के टाइम में कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक, तो आपको यहां पर गूगल ओपन करना, गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों एक वेबसाइट का नाम है, उसको लिखकर सर्च करना। वेबसाइट का नाम है दोस्तों ग्लोबल चार्ट म्यूजिक, इतना लिखे कर देना सर्च। ठीक है, ध्यान से हर स्टेप को देखते जाओ दोस्तों। यहां पर देख लीजिए, जब सर्च कर दोगे यहां पर देखिए इसका ऑफिशियल आ जाएगा, ग्लोबल चार्ट म्यूजिक का देखो ऑफिशियल आपको वेबसाइट आपका आ जाएगा। तो यहां पर देखिए इसमें क्या चीज लिखा है दोस्तों, यूट्यूब म्यूजिक चार्ट ग्लोबल वीकली टॉप सॉन्ग। मतलब दोस्तों, अभी के टाइम दोस्तों जो पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है दोस्तों वो इस वेबसाइट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या दोस्तों, इस वेबसाइट को कर लेना है ओपन। इसमें क्लिक करोगे वेबसाइट देखो ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट मेरा ओपन होकर आ चुका है। अब दोस्तों करना का थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहां पर देखिए बहुत सारा आपको म्यूजिक यहां पर दिखेगा, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज देखना है कि अभी के टाइम दोस्तों इस वेबसाइट में कौन सा म्यूजिक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो उसको लिए सिंपली सा सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, यहां पर देखिए साइड में आपको जिसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा तो समझ लेना दोस्तों अभी के टाइम में दोस्तों ये पूरी दुनिया में भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, और इसमें दोस्तों यहां पर देखिए एक नंबर में कुछ भी नहीं है, चार नंबर में कुछ भी नहीं है, तो ये सब समझ लेना दोस्तों अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में नहीं है। तो ये चीज यहां पर ध्यान में रख लेना। ठीक है, और यहां पर देखे दोस्तों बहुत सारे यहां पर म्यूजिक मिलेगा। ठीक है, जो भी म्यूजिक दोस्तों जिसमें आपको यहां पर देखिए ग्रीन दिख रहा है तो समझ लेना दोस्तों अभी के टाइम में ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यही से म्यूजिक में दोस्तों अपने शॉर्ट को आपको बनाना जिससे आपका शॉर्ट जल्दी से वायरल होगा। तो इसको यूज कैसे करोगे इस म्यूजिक को अपने शॉर्ट में, सब कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, तो आपको करना का दोस्तों यहां पर कोई एक म्यूजिक को आपको सिलेक्ट करना, जिस म्यूजिक यहां पर वो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं तीसरे नंबर जो म्यूजिक दिख रहा है इसको मैं कर लेता हूं क्लिक। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों ये YouTube पर चलना शुरू हो जाएगा, तो इस म्यूजिक को आप सुन भी सकते हो अगर आपको सुनने का। ठीक है, नहीं तो आपको कर देना है इसको यहां पर इसको कर देना स्टॉप। चलिए मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं अभी स्टॉप में कर दिया हूं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर गियर डाला, इस गियर को चलो पूरा चलने देते हैं, उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ इसको स्टॉप। ठीक है, इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे इसको स्टॉप हम। आपको अगर आपको इस म्यूजिक को सुनना है तो आप सुन भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए क्या चीज लिखा है, यहाँ पर नंबर वन टॉप म्यूजिक वीडियो। अभी दोस्तों ये पूरी दुनिया में जो अभी दोस्तों ट्रेंडिंग में चल रहा है म्यूजिक जो नंबर वन में, वो म्यूजिक यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, आप पढ़ भी सकते हो। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो एक टाइटल दिख रहा है दोस्तों, आपको एक टाइटल जो दिख रहा है इस टाइटल को क्या कर लेना है दोस्तों, आपको एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रीन शॉट ले लेना है। अगर दोस्तों आपको याद रहेगा तो याद भी कर सकते हो, स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो स्क्रीन शॉट ले लेना, क्योंकि इसको भी आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर मोर ऑफ सेप्शन में क्लिक करना और चले जाना इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना और यहां पर आपको एक भी चीज चेक कर लेना कि इस म्यूजिक पर अभी तक कितने लोगों ने शॉर्ट बनाया है, और जिन जिन लोगों ने शॉर्ट बनाया उसके शॉर्ट में व्यूज कितना है वो भी आप चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां पर ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं व्यू ऑल में कर देते हैं क्लिक। व्यू ऑल में जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर देखिए पूरा बायोडाटा ओपन हो जाएगा कि इस म्यूजिक में कितने लोगों ने अभी तक शॉर्ट बनाया है। यहां पर ओपन आप देख सकते हो 12 लाख इस म्यूजिक में शॉर्ट बन चुका है, 1-2 लाख नहीं, 12 लाख इस म्यूजिक में शॉर्ट बन चुका है दोस्तों, आप समझ सकते हो। और जिन जिन लोगों ने शॉर्ट बनाया उन लोगों का शॉर्ट में व्यूज कितना है, यहाँ पर देखो किसी में 6 करोड़ है, यहाँ पर 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 2 करोड़, यहाँ पर जितने भी ऊपर मैं स्क्रॉल करता हूँ सभी के समय दोस्तों करोड़ों करोड़ों आपको व्यूज देखने को मिल रहा है, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी में करोड़ों करोड़ों व्यूज दिख रहा है। तो इस म्यूजिक को आपको अपने शॉर्ट में यूज करना है, कैसे यूज करोगे ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यूज दिस साउंड का, सिंपली करके क्या करना, यूज दिस साउंड कर देना है क्लिक। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है दोस्तों, अगर आपने दोस्तों पहले से शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है तो सिंपली क्या करना, गैलरी ऑप्शन में क्लिक करना और अपने गैलरी में चले जाना, और वहां से दोस्तों क्या करना, अपने शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। चलिए यहां से हम अपने शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं।
मेरा शॉर्ट वीडियो सेलेक्ट हो चुका है, बाकी उसको कर देता है डन। डन मेरा हो जाएगा, कुछ टाइम आपको प्रोसेसिंग लगा, प्रोसेसिंग टाइम को वेट करना, यूट्यूब आपको एनालाइज कर रहा है कि आपको वीडियो किस कंटेंट का है, किसके पास भेजना है, जिसके बाद आपको शॉर्ट ज्यादा व्यू जाएगा, आपको शॉर्ट वायरल होगा। तो इस जगह से आपको वेट करना, प्रोसेसिंग को पूरा होने देना। चलिए यहाँ से प्रोसेसिंग मेरा पूरा हो चुका है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पर साइन ऑप्शन में कर देते हैं क्लिक। साइन ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आगे इंटरफेस भी आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, म्यूजिक को पूरा चलने देना है, ठीक है। म्यूजिक जो साउंड रहेगा उसको पूरा रहने देना, कम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर दोगे दोस्तों आपको नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में पेंसिल आकर आपको दिखेगा। सबसे पहले करना क्या दोस्तों, आपने शॉर्ट वीडियो में एक थंबनेल जरूर लगाना, बढ़िया सा एक थंबनेल आप जरूर लगा लेना। अगर आप थंबनेल पहले से नहीं बना के रखो तो अपने दोस्तों वीडियो को कोई पार्ट को आप इस प्रकार से क्लिक करके एक बढ़िया थंबनेल बना लेना, ठीक है। उसके बाद इसको डन कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या आ रहा है, कैप्शन योर शॉर्ट। तो कैप्शन योर शॉर्ट में दोस्तों आपको करना क्या है, अपने से कोई टाइटल आपको नहीं डालना है। इस म्यूजिक में जो टाइटल है वही टाइटल दोस्तों आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। इस टाइटल को यूज करने के लिए मैंने दोस्तों सबसे पहले मैंने एक स्क्रीन शॉट लिया था, ठीक है। तो वह स्क्रीन शॉट को अभी मेरा काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से इस बात से हम बैक आते हैं और चले जाते हैं अपने गैलरी में। इस तरह से पूरा स्क्रीन शॉट को मैं यहाँ से पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इस स्क्रीन शॉट को हम यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ देखो ओपन मेरा हो चुका है, इसमें टाइटल क्या क्या यूज किया गया है, चलिए वो टाइटल हम यूज करते हैं। जैसे लिखा है ऊपर में जले टू, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जले टू इस प्रकार से हम भी लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाना हर एक प्रोसेस को, ठीक है। जे ए एल ई जले टू इस प्रकार से ऑफिशियल ओ डबल एफ, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से ओ डबल एफ आई सी ऑफिशियल, ठीक है। इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट इतना लिख देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर देंगे स्पेस, उसके बाद लिखेंगे सपना एस ए पी एन ए सपना चौधरी सी एच ओ सपना चौधरी, इस प्रकार से लिख दिया मैंने इतना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ हैशटैग भी यूज करना है। तो हैशटैग कौन सा यूज करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना हैशटैग इस प्रकार से देना, हैशटैग शॉर्ट्स देना इस प्रकार से, ठीक है। हैशटैग शॉर्ट्स इस प्रकार से डाल देना है, और दूसरा डालना है दोस्तों हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स, दो हैशटैग मेरा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना, आपको जो वीडियो जिस कंटेंट का रहेगा, ठीक है, आपको वीडियो जिस कंटेंट का रहेगा उसके रिलेटेड से दोस्तों आपको यहाँ पर एक हैशटैग लगाना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन मार्क के चलो मेरे वीडियो को म्यूजिक का है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हैशटैग म्यूजिक, ठीक है, एम यू एस हैशटैग म्यूजिक, इतना मैंने डाल लिया। अब दोस्तों इतना मेरा हो चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा बिलिटी अभी अनलिस्ट में, इसको हम पब्लिक यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट पब्लिक होने बाद दोस्तों क्या करें, नीचे ऑडियंस सेक्शन में जाकर इसको सेकंड नंबर में क्लिक कर लेना, इतना कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाना, उसका दोस्तों क्या कर देना, अपलोड या शॉर्ट आपको कर देना है। सिंपल तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया, इस तरह से आप करो दोस्तों आपका शॉर्ट वीडियो 100% वायरल होगा। क्योंकि देखो दोस्तों यूट्यूब पर जब भी एक शॉर्ट वीडियो वायरल होता है तो उसके पीछे हाथ आता है उसका म्यूजिक का। अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक का सहारा लोगे दोस्तों आपका शॉर्ट वीडियो 100% वायरल होगा। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना दोस्तों, जो अभी के टाइम जो भी अभी शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखना दोस्तों, ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज किया जाता है हर एक शॉर्ट वीडियो में, तभी उसका शॉर्ट वीडियो वायरल होता है दोस्तों। शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए दोस्तों को उसमें कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं होता है, ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना पड़ता है। अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करोगे तो आपका शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करके आप अपने हर एक शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज की वीडियो मैंने आपको बताया, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पहली बार आए और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल करना ताकि जब मैं अगला वीडियो को पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले, उस वीडियो को आप देख सको। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।